नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत रफ्तार न्यूज और मैं हूं आपके साथ शहरी। बुलंदशहर खुर्जा के सूरजमल जाटिया कोविड अस्पताल का निरीक्षण करने पहुंचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। महाराजा अग्रसेन स्कूल में कार्यकर्ताओं ने किया संबोधित। भाजपा विधानसभा प्रत्याशी मीनाक्षी सिंह के लिए मांगे वोट, विपक्ष पर जमकर बरसे। बोले पहले की सरकार में गुंडे माफिया मौज करते थे, भाजपा की सरकार में उनके घरों पर बुलडोजर चलता है तो जान की भी भीख मांगते हैं। डबल इंजन की सरकार ने ऑक्सीजन उपलब्ध कराकर बचाई लोगों की जान। सरकार की मेहनत से 26 करोड़ कोविड वैक्सीन डोज लेने वाला पहला राज्य बना यूपी। कोरोना की तीसरी लहर खतरनाक नहीं, लेकिन सुरक्षा और बचाव जरूरी, योगी आदित्यनाथ। महामारी में ट्रेन और विमानों से उपलब्ध कराई ऑक्सीजन, जरूरत में प्लांट भी लगवाए। कोरोना मरीजों की संख्या घट रही है, अगले 8 से 10 दिनों में पूरी तरह काबू में होगी कोरोना की तीसरी लहर। जनपद बुलंदशहर से इकराम खान की रिपोर्ट। लेकिन विपक्ष, कांग्रेस हो, सपा हो, बसपा हो, तीनों एकजुट हैं। कब ये तीनों एकजुट होकर के, तीनों एकजुट होकर के गरीब के हक पर डकैती डालनी हो, जब तीनों में कोई दुराव नहीं होता, तीनों मिलकर के एक साथ इस कार्य को करने में महारत हासिल है। गरीब के लिए नहीं है, कमजोर के लिए नहीं है, दलित और वंचित के प्रति नहीं है, महिला सुरक्षा के प्रति नहीं है। उनकी संवेदना पर्व और त्योहार शांतिपूर्ण तरीके से मनाए जाए इस पर भी नहीं है। भाइयों बहनों, उनकी संवेदना तो तब जगती है जब माफिया के ऊपर बुलडोजर चलता है। भाइयों बहनों, मैं आप सबसे अपील करने के लिए आया हूं, ये चुनाव विकास की अनवरत यात्रा, डबल इंजन की भारतीय जनता पार्टी सरकार ने जिस स्प्रिट के साथ आगे बढ़ाया है, ये स्प्रिट बनी रहनी चाहिए। ये चरणबद्ध आगे बढ़ते ही रहना चाहिए, इसके लिए आवश्यक है प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार। भारतीय जनता पार्टी इसलिए आवश्यक है, मानव का संचालन कोई पेशेवर स्तर न कर सके, पर्व और त्योहार पर कोई दंगा फसाद न कर सके। चीन में लॉकडाउन है, यूरोप के कई देशों में लॉकडाउन है, अमेरिका में लॉकडाउन है, हमने उत्तर प्रदेश में कहा कि कोई कमी नहीं होगी। रात्रि में 10 बजे से लेकर सुबह बजे तक, सुबह 6 बजे तक हम लोग नाइट कर्फ्यू रखेंगे, लेकिन दिन में बाजार भी खुलेंगे, मॉल भी खुलेंगे, सारे आयोजन होंगे, किसी प्रकार की कोई पाबंदी नहीं होगी। हाँ, सतर्कता और सावधानी के लिए पब्लिक एड्रेस सिस्टम जरूर लगेंगे। ये महामारी है और कोरोना महामारी में भागने की आवश्यकता नहीं, डरने की आवश्यकता नहीं, लेकिन सतर्कता और सावधानी की आवश्यकता है। सतर्कता और सावधानी के माध्यम से जीवन और जीविका को बचाने का कार्यक्रम, और तीसरी व्यक्ति को सावधानी और सतर्कता के लिए ही चुनाव आयोग ने बड़ी बड़ी रैली और सभाओं को रोका है। 500-700 तक लोग सभाओं में आ सकते हैं, और इसीलिए कम संख्या ही सही, लेकिन आपका उत्साह इस बात को बताता है कि 500 की संख्या 50,000 पर भारी पड़ने वाली है। आपने भारतीय जनता पार्टी को अपना आशीर्वाद दिया था,
और 5 वर्ष तक भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन की सरकार के कार्य को आपने देखा है। बिना रुके, बिना झुके, बिना टिके और बिना किसी के सामने रुके सरकार अनवरत एक ओर राष्ट्रवाद और सुरक्षा के मोर्चे पर प्रभावी ढंग से कार्य करती दिखाई दी, दूसरी तरफ विकास और सुशासन के मुद्दे पर भी प्रभावी ढंग से सरकार ने अपने कार्य को आगे बढ़ाया है। भाइयों बहनों, बुलंदशहर जनपद की जब बात होती है, खुर्जा की जब बात आती है, तो वो खुर्जा का क्रॉकरी का कार्य देश और दुनिया के अंदर कौन इसको स्क्रीनिंग का कार्य, हर संदिग्ध व्यक्ति को मेडिसिन किट उपलब्ध कराना और अगले 24 घंटे के अंदर उन सभी का RRT यानी रैपिड रिस्पांस टीम भेज करके टेस्ट करवाना। तो प्रधानमंत्री जी ने कहा था, जहां है बीमार वहीं पे है उपचार, और इसको उत्तर प्रदेश सरकार ने निगरानी समितियों के माध्यम से प्रदेश के अंदर सफलतापूर्वक क्रियान्वयन किया और आज उसका परिणाम है कि जो थर्ड वेव की आशंका अगस्त सितंबर 2021 में व्यक्त की जा रही थी, उसको प्रभावी रूप से नियंत्रित किया ही उत्तर प्रदेश थर्ड वेव को भी रोकने में काफी हद तक सफल हो चुका है। मेरा अनुमान है कि अगले 8 से 10 दिन के अंदर तेजी के साथ उत्तर प्रदेश ने इस पे कार्य किया। पीएम केयर्स के माध्यम से उत्तर प्रदेश शासन की ओर से, CSR की ओर से, जनप्रतिनिधियों की मदद से 551 ऑक्सीजन प्लांट उत्तर प्रदेश ने अलग अलग जनपदों में लगाए हैं और आज मैं कह सकता हूं कि उत्तर प्रदेश ऑक्सीजन आत्मनिर्भरता के लक्ष्य को प्राप्त कर चुका है। बुलंदशहर जनपद में भी 14 ऑक्सीजन प्लांट लगे हैं जिनमें 13 क्रियाशील हैं। उत्तर प्रदेश सरकार की कोविड प्रबंधन का कार्य, जिसमें गांव हो या शहर, निगरानी वैक्सीनेशन के लक्ष्य को भी उत्तर प्रदेश ने बहुत प्रभावी ढंग से आगे बढ़ाया है और आज मैं कह सकता हूं उत्तर प्रदेश आज सायंकाल तक 26 करोड़ वैक्सीन की डोज देने वाला देश का पहला राज्य होगा, जिसमें हम लोग उत्तर प्रदेश के अंदर फर्स्ट डोज प्राप्त करने वाले 99% से अधिक लोगों को फर्स्ट डोज उपलब्ध करवा देंगे। सेकेंड डोज प्राप्त करने वालों की संख्या 70% उत्तर प्रदेश में होगी और उत्तर प्रदेश कोविड टेस्ट करने वाला देश का सबसे ज्यादा टेस्ट करने वाला राज्य भी है। 9,93,00,000 से अधिक टेस्ट अब तक उत्तर प्रदेश के अंदर संपन्न हो चुके हैं। बुलंदशहर ने भी इस लक्ष्य को प्राप्त करने में एक निर्णायक भूमिका में अपना योगदान दिया है। वैक्सीन की बात अगर करें तो आपके बुलंदशहर में